गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास. चैप्टर विच वी आर स्टडिंग इज हैविंग फन. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. ट्रेडिशनल गेम्स. ट्रेडिशनल गेम्स मीन्स पारंपरिक खेल, वो गेम्स जो लोग बहुत पहले से खेलते हुए आ रहे हैं. स्पिनिंग टॉप्स एंड काइट फ्लाइंग आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ आर कंट्री. स्पिनिंग टॉप और काइट फ्लाइंग हमारी कंट्री के ट्रेडिशनल गेम हैं. इनके अलावा भी हमारी कंट्री के बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, लाइक हॉप स्कॉच, गिली डंडा. नेक्स्ट, रूल्स. प्लेइंग अ गेम वेल इज इम्पॉर्टेंट. गेम को अच्छे से खेलना बहुत ज़रूरी है. इन अ गेम वन प्लेयर टीम विंस वाइल अनदर प्लेयर टीम लूजेस. जब भी हम गेम खेलते हैं तो एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट दिस एंड प्ले इन अ फेयर मैनर. ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसे एक्सेप्ट करें और फेयरली गेम को खेलें. दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप. ये स्पोर्ट्समैनशिप कहलाती है. एवरी गेम हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन. हर गेम के अपने रूल्स और अपने इंस्ट्रक्शन होते हैं. वी शुड नो एंड फॉलो दीज रूल्स. हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. वी शुड नेवर चीट वाइल प्लेइंग अ गेम. हमें गेम खेलते समय कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए. यू मस्ट हैव सीन एन अम्पायर इन अ क्रिकेट मैच और अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच. आपने क्रिकेट मैच में अम्पायर को और फुटबॉल मैच में रेफरी को देखा होगा. वट डू यू थिंक दे डू. आपको क्या लगता है वो क्या करते हैं. रेफरी एंड अम्पायर आर पीपल हु इंश्योर दैट द गेम आर प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स. रेफरी और अम्पायर ये देखते हैं कि गेम्स को ठीक से खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा है. दे आर न्यूट्रल, दैट इज दे डू नॉट बिलोंग टू एनी टीम. वी शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन मेड बाय देम. वो किसी भी टीम का पार्ट नहीं होते. हमें उनके डिसीजन का ऑलवेज रिस्पेक्ट करना चाहिए.